आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। और उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ओके, अभी तक हमने जो टॉपिक देखे थे उसमें हमने देखा है कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ओके, तो बेसिकली जो हमने पहले दो लाइन डिस्कस की, कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वो एक रिलेशनशिप बताती है रिस्क और रिटर्न में। ओके, कैपिटल मार्केट लाइन जो रिलेशन बताती है वो बताती है टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस द रिटर्न ऑफ मार्केट और पोर्टफोलियो। ओके, जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है वो रिटर्न बताती है सिस्टमेटिक रिस्क बीटा वर्सेस द रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, तो वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आता है शार्पेस इंडेक्स मॉडल में जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने के पहले मैंने सोचा पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन के बारे में बताऊं, इसके क्या क्या एलिमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन के बारे में, इसको सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो जो हमने पहले लाइन देखी कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वो रिलेशनशिप बताती है रिस्क और रिटर्न में। ओके, जबकि कैरेक्टरिस्टिक लाइन रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप नहीं बताती, ये किसमें रिलेशनशिप बताती है, सिक्योरिटीज रिटर्न, सिक्योरिटी का रिटर्न वर्सेस मार्केट रिटर्न। तो ये जो होती है ये एक रिलेशनशिप बताती है सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच, सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट रिटर्न के बीच में। तो ये एनालिसिस पर्पस से बहुत ज्यादा काम में आती है टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिक्योरिटी और योर पोर्टफोलियो कि वो मार्केट के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। ओके, ये क्लियर है। अब कैसे, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ओके, एक्स वाई, x एक्सिस पे हम लिखेंगे मार्केट एक्सेस रिटर्न, मार्केट एक्सेस रिटर्न। ओके, यहां पे y एक्सिस पे लिखेंगे सिक्योरिटी एक्सेस रिटर्न, सिक्योरिटी एक्सेस रिटर्न। अब धीरे धीरे करके एक एक चीज समझते जाते हैं कि क्या चीज क्या है। ओके, पहले इसका मार्केट एक्सेस रिटर्न का मतलब क्या हुआ, मार्केट एक्सेस रिटर्न का मतलब हुआ कि मार्केट रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न देता है, मार्केट रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न देता है। सो दैट इज समथिंग मार्केट एक्सेस रिटर्न। अगर इसको मैं फॉर्मूला में लिखूं तो ये हो जाएगा आर एम माइनस आर एल, मार्केट रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, दैट इज योर मार्केट एक्सेस रिटर्न। सिक्योरिटी एक्सेस रिटर्न की बात करूं तो सिमिलर कंसेप्ट, सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी वो रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न दे रही है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस आर एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी एक्सेस रिटर्न, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस आर एल कि सिक्योरिटी कितना ज्यादा रिटर्न दे रही है रिस्क फ्री रेट से। ओके, क्लियर। ओके, अब एज आई मेंशन ये जो कंसेप्ट है ये विलियम शार्प का जो शार्प इंडेक्स मॉडल है, शार्प इंडेक्स मॉडल उसमें काफी यूज आता है। ओके, वो क्या बताते हैं कि एक सिक्योरिटी का रिटर्न, एक सिक्योरिटी का रिटर्न जो होता है बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है मार्केट पे, मार्केट की परफॉर्मेंस पे। ओके, और एक चीज होती है उसकी खुद की परफॉर्मेंस पे, जो भी कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस पे। तो वो क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी का रिटर्न दो चीजों पे डिपेंड करता है, मार्केट की परफॉर्मेंस पे और खुद कंपनी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। ओके, मार्केट की परफॉर्मेंस मतलब हमने देखा था रिस्क दो तरह की होती है, सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक होती है वो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करती है, तो मार्केट की परफॉर्मेंस किससे डिटरमाइन होगी, सिस्टमेटिक रिस्क से। हमने देखा सिस्टमेटिक रिस्क को क्या मेजर करता है, बीटा मेजर करता है। तो हमने पहले पढ़ा था अगर मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, अगर किसी कंपनी का बीटा 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट 10% रिटर्न देता है तो वो सिक्योरिटी 15% रिटर्न देनी चाहिए। ओके, तो बीटा जो होता है वो मेजर करता है सिस्टमेटिक रिस्क को। ओके, और इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि और सिंस जो सिक्योरिटी का रिटर्न है वो मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमें बीटा को कंसीडर करना चाहिए। क्लियर, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। विलियम शार्पे के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी का रिटर्न दो चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और वो खुद कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, सिंपल लॉजिक है। ओके, मार्केट की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, सिस्टमेटिक रिस्क पे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सचेंज रेट, ओके, इंटरेस्ट रेट,
तो वो सारी चीजें सिस्टमेटिक बेस से हम कैलकुलेट करते हैं, और सिस्टमेटिक बेस किसके किससे मेजर होता है, बीटा से। तो एक कंपनी का रिटर्न जो होता है इस एक मार्केट पे डिपेंड करता है एक पोर्शन। दूसरी चीज होती है खुद के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, खुद की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। तो इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों में हमने बांटा था, उसमें हमने एक देखा था अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, वो चीज जो कंपनी स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा तो वो चीज ऐसी होती है जो कंपनी स्पेसिफिक को इंपैक्ट करती है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा तो ऑटोमेटिकली उसका रिटर्न भी अच्छा नहीं होगा। तो वो चीज हो गई अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक चीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कोई भी अच्छी खबर कंपनी के लिए आई उसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए तो दैट इज पॉजिटिव, कोई बुरी खबर आई दैट इज नेगेटिव। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है। अनसिस्टमेटिक को डिनोट करते हैं एरर टर्म से, ईआई को डिनोट करते हैं एरर टर्म से। तो ये आपके पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं। दीज आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड तभी तो रिस्क है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि इंपैक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे और वो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई दोस आर अनसिस्टमैटिक। क्लियर। दूसरी चीज होती है विच इज कॉल्ड अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है अगर इसको समझे कि देखो पहली चीज हमने देखा सिक्योरिटी रिटर्न, दो चीजों पर डिपेंड करता है मार्केट और ओन। मार्केट का हमने देख लिया कि मार्केट के फैक्टर इंपैक्ट करेंगे कंपनी को और उसके रिटर्न को। ओन वाले फैक्टर में हमने देखा अनसिस्टमेटिक रिस्क जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण आती है। अल्फा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कंपनी मार्केट से एक्सेस रिटर्न देती है, एक्सेस रिटर्न। मतलब उसमें कोई इवेंट नहीं हो रहा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही जिसके कारण वो दे रही है। मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल गिव 5% मोर फॉर एग्जांपल, इट इज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड इवेंट है कि मतलब हमेशा हमें पता है कि ये कंपनी को मार्केट से 4% ज्यादा ही रिटर्न देगी। अगर मार्केट मुझे 0% रिटर्न दे रहा है तो ये कंपनी 4% देगी ही देगी। सो दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा इज एक्सेस रिटर्न ऑफ दैट सिक्योरिटी ओवर द मार्केट रिटर्न। अल्फा इज एक्सेस रिटर्न ऑफ दैट सिक्योरिटी ओवर द मार्केट रिटर्न। तो वो एक्सेस रिटर्न हो गया विच इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, कि हमें पता ही वो इतना रिटर्न तो देगी देगी ओवर द मार्केट रिटर्न, दीज आर एक्सपेक्टेड। क्लियर। एक बार वापस मैं रिट्रेस करता हूँ। विलियम शार्प बोलते हैं सिक्योरिटी का रिटर्न दो चीजों पर डिपेंड करता है, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है और खुद की परफॉर्मेंस कैसी है। मार्केट के फैक्टर्स हमने देखे जो सिस्टमेटिक रिस्क हम जनरली मेजर करते हैं बीटा से। अगर मार्केट बढ़ेगा जैसे 10% बढ़ता है और अगर बीटा 1.5 है तो सिक्योरिटी का रिटर्न भी इतना बढ़ेगा। तो ये तो मार्केट फैक्टर है। इसके अलावा सिक्योरिटी खुद के ओन परफॉर्मेंस, जो कंपनी है खुद की ओन परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिटर्न जनरेट करेगा। तो उसमें हमने देखा एक तो होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम, कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, या कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जिसको एरर टर्म बोलते हैं, रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं, व्हिच इज नथिंग बट योर अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है अल्फा। अल्फा इज समथिंग कि वो हमें पता है कि वो जो सिक्योरिटी है मार्केट से इतना ज्यादा रिटर्न देती है हमेशा, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड अल्फा व्हिच इज द एक्सेस रिटर्न ओवर द मार्केट। जैसे हमने बोला अगर मार्केट 0% रिटर्न भी देता है तो भी सिक्योरिटी 4% रिटर्न तो देगी। ये क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे मार्केट 0% रिटर्न देगा तब भी सिक्योरिटी 4% रिटर्न देगी, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे डिनोट करूं तो ये मेरा मार्केट हो गया। अगर मार्केट मेरा 0% रिटर्न दे रहा है तब भी सिक्योरिटी मेरी 4% रिटर्न तो देगी, तो ये यहाँ पे डिनोट हो जाएगा 4%। ठीक है। अब उससे ज्यादा कितना रिटर्न देगी वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है। अगर मार्केट लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है और अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली मेरी सिक्योरिटी 15% देगी एक्स्ट्रा, तो 15 और 4 19% लेट्स से वो यहां आ रहा है समथिंग। फॉर एग्जांपल तो वो इतना रिटर्न देगी। तो सिक्योरिटी का रिटर्न अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक तो अल्फा, जस्ट
अल्फा मतलब इतना तो रिटर्न को देगी, वो 4% तो देगी देगी सिक्योरिटी, तो अल्फा, तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा तो देगी प्लस उससे ज्यादा कितना देगी, दैट विल डिपेंड ऑन द बीटा, तो मार्केट का रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा, मार्केट रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा रिटर्न, सो दैट विल बी बीटा आरएम माइनस आरएफ, ओके. एंड देन इफ देयर इज सम रेसिडुअल आइटम, रेसिडुअल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, दैट विल बी योर सिक्योरिटीज रिटर्न. तो ये फॉर्मूला हुआ जो आपके शार्ट मॉडल में यूज में आएगा, और इसके बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनाते हैं. तो हमने यहाँ पे लिखा 4% रिटर्न तो मिलेगा ही, भले मार्केट का रिटर्न 0 हो, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया. फिर हमने बोला अगर मार्केट का रिटर्न 10% है, 10% है तो इसका रिटर्न 15% जो होगा तो मतलब 19 हो जाएगा फिर से. तो अब इससे हम जो ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक लाइन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन. तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होगी, तो ये जो पोर्शन है, ये इंटरसेप्ट जहां पे कैरेक्टरिस्टिक लाइन इंटरसेप्ट करती है, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है अल्फा, ये चीज कहलाती है अल्फा, ओके. और ये जो स्लोप है कि ये सिक्योर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, ओके, या ऐसे होगी, ओके, ये डिपेंड करता है बीटा पे, क्योंकि ये कितना बढ़ेगा उससे कंपेयर में ये कितना बढ़ेगा, इसके बेसिस पे तो लाइन का स्लोप डिसाइड होता है. अगर ये इतना बढ़ रहा है और ये इतना बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लाइन का स्लोप डिसाइड होगा. तो लाइन का जो स्लोप होता है वो बीटा से डिसाइड होता है, ये जो स्लोप है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय बीटा. तो अगर बीटा ज्यादा है, बीटा ज्यादा है तो लाइन ऐसे स्ट्रेट होती जाएगी, ओके, बीटा कम है तो ऐसे होती जाएगी, ओके, ठीक है. तो ये जो स्लोप है बीटा से डिनोट होता है, ये जो इंटरसेप्ट है ये अल्फा कहलाता है, ओके. तो ये दो टर्म हमें ध्यान में रखनी है. अब एक बार, क्या अल्फा नेगेटिव हो सकता है, क्या अल्फा नेगेटिव हो सकता है, या हमने एक्सिस रिटर्न की बात की, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, ओके. जरूरी नहीं कि हम हमेशा कोई सिक्योरिटी हमेशा मार्केट से ज्यादा अर्न करें, मार्केट से कम भी हो सकता है. तो अगर अल्फा नेगेटिव है तो वो इस तरह से होगा, ओके, तो वो आपकी सिक्योरिटी कैरेक्टर लाइन जो होगी वो यहां से ड्रॉ होगी, ओके. इसमें ये जो डिफरेंस है, अगर मार्केट रिस्क 0 है तो आपकी सिक्योरिटी -2% दे रही है, -2, ये आपका जो होगा नेगेटिव अल्फा कहलाएगा, ओके. और इस तरह से आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन ड्रॉ होगी सिक्योरिटी और मार्केट रिटर्न के बीच में, ओके. तो ये तो हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न डेराइव करने के लिए. जरूरी नहीं कि हमारी जो सिक्योरिटी का रिटर्न हो वो इतना ही हो, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है. आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे भी प्लॉट हो रही हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या इस एरिया में इस लाइन के ऊपर भी प्लॉट हो रही हो आपकी सिक्योरिटी का रिटर्न. मार्केट रिटर्न की कंपेटिवली अगर ऊपर प्लॉट हो रही है कैरेक्टरिस्टिक लाइन के, इट मीन्स वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, तो यू कैन बाय दैट सिक्योरिटी. अगर नीचे आ रही है तो इट मीन्स वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो इट मीन्स यू शुड सेल द एसेट, ओके. तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं. तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या बताती है, एक रिलेशनशिप बताती है मार्केट रिटर्न के बीच में और सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच में. मार्केट रिटर्न मतलब हम मार्केट एक्सेस रिटर्न ले रहे हैं, रिस्क फ्री रेट से ज्यादा जो भी रिटर्न है आरएम माइनस आरएफ, इधर भी हम सिक्योरिटी का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, ओके. अब विलियम शार्प बताते हैं सिक्योरिटी का रिटर्न या तो मार्केट फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मतलब दो चीजों पर डिपेंड करेगा, मार्केट फैक्टर और कंपनी ओन फैक्टर. मार्केट फैक्टर मतलब सिस्टमैटिक रिस्क बीटा जो हमने देखा, ओके. तो बीटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वो कंपनी का रिटर्न कितना होता है, बट मार्केट के अलावा खुद के फैक्टर भी होते हैं. खुद के फैक्टर एक तो अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गई, जो ऐसी रिस्क मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज आ रही है जिसके कारण उसके रिटर्न इंपैक्ट हो रहे हैं, सो दैट इज समथिंग डिनोटेड बाय एरर टर्म ईएल, दैट इज योर अनसिस्टमैटिक रिस्क. इसके अलावा अल्फा, अल्फा मतलब कंपनी जो एक्सेस रिटर्न देगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, मार्केट से जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेस रिटर्न देती है वो अल्फा कहलाता है. जो कि हमें पता है कि अगर मार्केट जीरो है तो सिक्योरिटी का रिटर्न 4% होगा, सो दैट इज योर अल्फा, ओके. एक्सेस रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड. अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, जबकि अल्फा जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है. तो अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके. तो अगर आपको कोई सिक्योरिटी चूज करनी है, कोई म्यूचुअल फंड चूज करना है, तो उसमें अल्फा देखा जाता है. अगर अल्फा अच्छा है, इट मींस अल्फा पॉजिटिव है, इट मींस दे आर अर्निंग मोर देन द मार्केट. अगर मार्केट अच्छा नहीं भी करता है
तो भी वो फंड या वो सिक्योरिटी कुछ रिटर्न तो देगी ही. सो अल्फा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और समवेयर. सो आप अल्फा के थ्रू एनालाइज करते हैं कि वो जो फंड या सिक्योरिटी कितना अच्छा कर रहा है. ओके सो अल्फा, तो ये तीन हमने फैक्टर देखे. ओके तो हमने इस फैक्टर को देख के फॉर्मूला बनाया कि सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा. सिक्योरिटी का रिटर्न एक तो अल्फा जो कि फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, 4% है तो 4% ही है, ये फिक्स हो गया. दूसरी चीज है मार्केट का रिटर्न, मार्केट के रिटर्न पे डिपेंडेंट है और मार्केट का रिटर्न कैसे बीटा से. मार्केट का 10% है तो सिक्योरिटी का इतना होगा 1.5, तो वो बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट का रिटर्न. फिर ऐसी कोई एरर टर्म है, ओके कोई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है रेसिडुअल, ओके तो वो हम प्लस कर देते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम हमारे सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में हम प्लॉट करते हैं सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न. तो ये जो अगर मार्केट जीरो है तब भी सिक्योरिटी 4% रिटर्न दे रही है, इट मींस दिस इज आवर अल्फा. अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया. ओके फिर अगर मार्केट का रिटर्न इतना है, सिक्योरिटी का इतना है, तो ये जो होता है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है. हमारी सिक्योरिटी का एक्चुअल रिटर्न जो होता है ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ऊपर है इसका मतलब अंडर वैल्यूड है, यू कैन बाय दैट सिक्योरिटी. अगर नीचे होता है इट इज ओवर वैल्यूड, यू शुड सेल दैट सिक्योरिटी. तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक लाइन, ये था अल्फा. अब इनके बेसिस पर हम देखेंगे शार्पेज इंडेक्स मॉडल क्या है और वो क्या बताता है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके अभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के बारे में. आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करूंगा. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज लेट मी नो. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.